गुड इवनिंग सभी अरुणाचल जनता को और जितना भी यहाँ में uh, हम लोग uh, यहाँ का सेवनटीन से लेके अभी तक चल रहा है हम लोग का जो धरना जो तो आज हम लोग यहाँ में वही एक टूर्नामेंट uh, का आत्मा शांति के लिए हम लोग थोड़ा तो सा यहाँ कंडोलेंस कर रहे हैं ये कंडोलेंस करने का वजह तो ये हम लोग का कोई ये नहीं है क्योंकि उसका कुछ मैसेज जो डिक्लेयर किया है कि आपका ट्वेंटी uh, वन uh, ये को 2018 में वो जो है डेड हो गया बोल के उसका खुद सर्टिफिकेट में लिखा उस हिसाब से हम लोग क्योंकि वो मर गया वो मरते समय में हम लोग ये नहीं था मालूम नहीं था इसलिए बहुत समय एक दो महीना तो गैप हो गया लेकिन आज हम लोग वही सोचा है कि हम लोग यहाँ में ये करके आज डेथ सेम है कि महीना अलग होने से भी डेथ सेम है इस हिसाब से हम लोग आज यहाँ में थोड़ा तो सा उसका आत्मा शांति के लिए हम लोग कॉन्डेलेंस कर रहे हैं उस हिसाब से आ, सभी ये लोग को हम लोग का ये एक रिक्वेस्ट है कि सरने से और नाचल का जितना भी यहाँ में अभी प्रेजेंस है जो न्यूज़ देख रहा है और जो ये मैसेज तो किसी का जो सुनाई दे रहा है उन सब भी उसके लिए कॉन्डेलेंस कर देने से ठीक है एक अजीब और गजीब कहानी है जैसे हमने डॉक्यूमेंट्स छानबीन करके टूर्नामेंट का ऊपर में ढूंढना तो टू तो से शुरू किया तो हम लोग ने ऐसे करके यहाँ में एक डॉक्यूमेंट्स मिला है जब लैंड अलॉटमेंट का ऊपर में हम लोग एक आर टी आई डाला था उसमें आपका ट्वेंटी अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में डी सी ऑफिस नामसाई से एक डॉक्यूमेंट मिला यह है तो उसमें विका है कि यहाँ में नंग सिटी में वेथ वे वेप ऑफ वेथ चोर्नामेंट तो हमें भी एक ताजुक लगा आज तक हमको सोचा था हमारा चौनाम साहब जिंदा है मगर ये एक अजीब और गजब कहानी है उसका ही अपना मिसेस जो उसको दे बोल के विके विक रखा है यहाँ में आपका वन रिवेन्यू ऑफिस का सिग्नेचर है डीसी डिप्टी कमिश्नर नामसाई का सिग्नेचर है और डिस्ट्रिक्ट वन रिवेन्यू सेटलमेंट ऑफिसर तीनों ने उसमें सिग्नेचर किया सिटी से हम हमको रखा इसमें हम आज एक्चुअली उसका हिसाब से दर्द जो 21 जून 2018 में है ये रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड मिलने के बाद हम लोग आज उसके ऊपर में यहाँ में हमारा कुछ दिमांड का ऊपर में हम चोनामैन साहब को लजस्लेटिव असम्बली से हटाने के लिए हम लोग ने मांग रखा तो रखा ये डॉक्यूमेंट सही समय में मिला तो इसका हिसाब से हम अभी किया कि इस हिसाब से बोलने से वो अभी इस दुनिया में नहीं है क्योंकि उसका अपना ही मिसेस ने उसको रिटेन कॉपी में हम को मिला है तो हमें इस वे आज हम लोग इसके ऊपर में धरना बैठ रहा था उसका एम एम कुर्सी को हटाने का मांग में और एसटी का जो एसटी टी का पीआरसी आर इशू का ऊपर में हम लोग मांग करके यहाँ बैठा हुआ है 17 से शुरू हुआ आज ट्वेंटी वन है तो आज डॉक्यूमेंट मिला है कि उसका मिसेस का डॉक्यूमेंट में वो यहाँ में नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ आज आत्मा शांति के लिए कर दे रहा है क्योंकि हम लोग सोचा था वो जिंदा है कल आप लोग का लास्ट है हाँ कुछ सोलूशन नहीं होने से आगे, आगे आप क्या करेंगे सेल्यूशन तो अभी तक जो गवर्नमेंट का तरफ से हम लोग को कुछ ऑफिसिय कुछ रिपोर्ट तो नहीं आया तो फर्दर क्या करना है कल आपको ऐसे ही समय में हम बता देते हैं फर्दर नेक्स्ट स्टेप क्या है बहुत सारा लोग यूनियन है यहाँ पे अरुणाचल में तो वो लोग जो कुछ पैसा वगैरह मिलने की बात में अपना वो यूनियन ये, ये वगैरह छोड़ देते तो तक जाएगे? ये आपने एक सही सवाल पूछा अभी हमने 2019 से सोशल मीडिया के जरिया से आ, प्रेस ब्रीफिंग करके आया रिप्रेजेंटेशन देके आया और जाते जाते आज हम ये डॉक्यूमेंट तक यहाँ आपका पोस्टर बना के रख दिया अभी भी कोई कोई जो घर में बैठते ही सोशल मीडिया में विकता है पैसा 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 अगर हम पैसा के वे करता तो आज यही नहीं यहाँ नहीं आना था जरूरी क्या है या अपना सर को मुसीबत में दब कर यहाँ बैठने का तो हम लोग ने ये सोचा कि देखिए आज हम कुछ युवा यहाँ में अनएम्प्लॉयमेंट हो के रहने का जगह नहीं होके बैठ रहा है और आप लोग जानता है अरुणाचल में अभी रेंट का पी भी बहुत हाई है तो हमारा कुछ कुछ आदमी वो बैठने का जगह नहीं है रेंट देने के लिए मुश्किल हो रहा है तो इस हिसाब से चल के अभी पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है तो एरिया कम होते जा रहा है उसको हम लोग देख के सोचा कि हम आज डॉक्यूमेंट मिलने का बाद कुछ आवाज़ नहीं उतारने से तब को मेरा पोता पे पोती वो मुसीबत में ना आए इस हिसाब से हम लोग ये मांग उठाया है कि अभी सही समय है मोर देन आपका 2016 में जब डिस्ट्रिक्ट डिमार्केशन करने का बाद नियर अबाउट टेन 11,000 थाउजेंड का आदमी था उस डिस्ट्रिक्ट में अभी आप देखो लाखों ऊपर पहुंच गया मुर्गी ही ऐसे जन्म देता है कि एक बार में दस बच्चा सुअर ही ऐसे जन्म देता है इंसान तो ऐसे नहीं देता है ना तो मेरा कहने का मतलब उस जगह में आठ साल में इतना आदमी जन्म कैसे दिया है तो वही हम का मांग है कि ये जितना आपको डॉक्यूमेंट दिखाया है नॉन ए पी को जो आसाम का वोकेवेटी को यहाँ में ले के एस दे रहा है और वोटर राइट कर रहा है इसका हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है कल को हमारा आदमी रहने का जगह नहीं होगा वो सोच के हमने ये निर्णय लिया है हम यहाँ पैसा लेने के वह किसी को उधर उधर करके दरा दम का के करने हम नहीं आया है क्योंकि ये हमारा कोई करप्शन चार्ज नहीं है जनता लोग ये समझना है कोई करप्शन चार्ज नहीं ये प्योरवी पुरजारी है अरुणाचल को पुरजारी करके पोर्थ एंटी करके वो जितना यहाँ पार्टी के रहा है नेता बन के बेच रहे वो हमको अचानक वक्त क्योंकि वो यहाँ का एस नहीं है ये है ये फोटो में जो आप लोग जो तो तो के जो लगाया है वो वो क्या लैंड प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट है जो उसका मिसेस का नंग से तीन का है उसका कोई फैमिली का भी हो सकता है नहीं नहीं उसका मिसेस का ही है तो किवेर वे क्या आपको देखा मैं वेफ ऑफ वेथ चोनामेंट तो अगर चोर्नमेंट सब आप नहीं मर रहा है तो अभी बताओ ये मरने वाला कौन है हमको ये जवाब दीजिए ए या कि आप ये बोलना चाहता है कि पहले जो चौ मेन मैन का बच्चा आप है वो मर गया अभी चोपक गोहे का बच्चा वो अभी जिंदा होके कर रहा क्या वो हम पूछ रहे हैं आप सफाई दीजिए ये yeah. है